आ जाओ मेरी बात सुनो। कल जाते जाते मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था कि ट्राई याद करो, और कुछ बच्चों ने कोशिश की, एटलीस्ट कुछ ने कोशिश की, कुछ ने नहीं की। जिन्होंने की उनका भी भला, और जिन्होंने नहीं की उनका भगवान करेगा भला। आओ मेरी बात सुनो, अब देखो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन बहुत लंबा था लेकिन निकालना तो लास्ट में प्रॉफिट था। और प्रॉफिट निकालने के लिए चार चीजें चाहिए, पांच भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चार। और कौन सी चार, आ जाओ हम लिखते हैं ये वाले क्वेश्चन के अंदर। चार चीजें चाहिए, कौन सी चाहिए? सबसे पहले फिर लिखते जाओ मेरे साथ अब, फिर और फिर लो, ये चार चीजें चाहिए, पांचवी नहीं चाहिए, ठीक है जी। सिर्फ इन चार चीजों की जरूरत है। अब क्या क्या इस क्वेश्चन में थी और क्या क्या निकालना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं दोबारा से सारा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ता, लेकिन इसमें दिया गया है मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख, यानी ओपनिंग कैपिटल तो जीरो थी। ठीक है जी, आ जाओ। फिर बोलता है ऑन द सेम डेट ही परचेज द बिल्डिंग दिस मंथ दिस मंथ फर्नीचर ही आल्सो परचेज गुड्स दिस 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 दर 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 सब कुछ था। फिर नीचे जाके ये वो सब अटरम बटरम 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 सब गिवन था। ऑन फर्स्ट ही टूक अ लोन 3 लाख फ्रॉम द बैंक, ठीक है ये तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई। फर्दर इंट्रोड्यूस ऑन फर्स्ट दिसंबर ही फर्दर इंट्रोड्यूस रूपीज 1 लाख एज इज कैपिटल, यानी एडिशनल कैपिटल भी गिवन थी 1 लाख। चलो उसके बाद सारे क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग की कहीं बात नहीं की गई, तो ड्राइंग जो थी वो क्या थी? जीरो। बस एक क्लोजिंग कैपिटल का सारा लफड़ा था, ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। यस सर। लेकिन यहाँ एक समस्या ये है, ही पेड रेंट, ही पेड सैलरी, ही रिसीव मनी फ्रॉम डेप्टर्स, ही पेड मनी टू क्रेडिटर्स। तो जब ऐसा क्वेश्चन है, सुनो गौर से, जब ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कैश से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, तो फिर हमें यहाँ कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बस यही इस क्वेश्चन का कैश था। क्लोजिंग बैलेंस शीट तो आप बना लोगे, लेकिन जहां कैश का बैलेंस नहीं दिया, आप देखो कहीं कैश का बैलेंस दिया पूरे क्वेश्चन में, कैश इन हैंड कितना था, लेकिन कैश आया भी है और कैश गया भी है, इसलिए दिमाग खोल के काम करेंगे आप। अगर कैश का बैलेंस दिया होता तो मैं कैश अकाउंट नहीं बनाता। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा होता कैश एट हैंड या कैश एट बैंक साल के लास्ट में, तो मैं कैश अकाउंट नहीं बनाता। लेकिन मुझे कैश अकाउंट बनाने का सपना कहां से आया, तो मैं आपको बताऊं, कैश आया, वो कैपिटल भी लेके आया, एडिशनल कैपिटल भी लेके आया, उसने माल भी परचेज किया, उसने माल बेचा भी, उसने कैश में भी बेचा, उसके पास कैश रिसीव भी हुआ, उसने कैश पेमेंट भी की। पूरा क्वेश्चन गौर से पढ़ो, उसने रेंट भी पे किया, उसने सैलरी भी पे की, लेकिन लास्ट में कैश इन हैंड नहीं दिया। इसका मतलब देर इज समथिंग मिसिंग, दैट इज कैश इन हैंड बैलेंस। जब तक कैश का बैलेंस नहीं आएगा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकल सकती। आप मेरी बात समझे? क्योंकि बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे सब कुछ लिखेंगे, लेकिन कैश इन हैंड होना जरूरी है। यही सिखाने के लिए इस क्वेश्चन को करवाया गया। यहां पे एक चीज मिसिंग थी, कैश इन हैंड। अगर वो क्वेश्चन में गिवन होती ना, तो क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व हो जाता और सारे बच्चे कर जाते। आप वहां तक सोच ही नहीं पाए, कोई सोचा वहां तक? किसी की सोच गई वहां तक? अब याद रखना है इसके बाद, ठीक है? ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है आपके साथ पूरी जिंदगी में, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है अगर ये वाले क्वेश्चन आए तो, ठीक है? आ जाओ, सबसे पहले बनाओ कैश अकाउंट। चलो जल्दी से मेरे साथ क्या बनाओगे? और कैश अकाउंट बनाना जिसको नहीं आता उसको अब फीलिंग लेनी पड़ेगी कहां जाके, स्टेशन पे। जल्दी से स्टेशन चले जाओ, वहां गाड़ियां चलती हैं, पैसेंजर गाड़ी भी है, दूसरी भी है, और आप फीलिंग ले जाओ, ठीक है? आ जाओ। अब सुनो कैश अकाउंट कैसे बनता है मालूम है आपको? डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में? जहां जहां पैसा आया दिखे वो यहां डाल दो, जहां जहां पैसा गया दिखे वो यहां डाल दो, ठीक है? चलो स्टार्ट कर लो। क्या बोला उसने? मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख। बोलो, अब मुझे ये मत पूछना सर यहां क्या लिखते हैं, आपको मालूम है? आपकी रिवीजन करा देता हूं कैश बुक की, ठीक है? इसी को कैश बुक बोलते हैं, इसी को कैश अकाउंट बोलते हैं। आ जाओ। ऑन द सेम डेट ही परचेज द बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग है?
चलो आगे चलते जाओ। एंड फर्नीचर, ओके, ही आल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 ऑन कैश। क्रेडिट मत डाल देना, सिर्फ कैश वाले डालने, कैश है ना। ही आल्सो परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 ऑन कैश एंड गुड्स रुपीज 1,00,000 ऑन क्रेडिट, उसकी जरूरत नहीं। ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर रुपीज 7,50,000 आउट ऑफ विच 4,50,000 ऑन द कैश बेसिस। चलो आगे बढ़ जाओ। ही पेड रुपीज 70,000 टू हिज क्रेडिटर। चलो ही पेड 70,000 टू हिज क्रेडिटर एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10,000। डिस्काउंट इसमें नहीं आता, आपको मालूम है कैश रिटर्न डिस्काउंट नहीं आता। अगर डिस्काउंट कॉलम हो तो डिस्काउंट, अदरवाइज नहीं आता। आपने बहुत सारी बुक्स बनाई। ही रिसीव्ड रुपीज 80,000 फ्रॉम डेप्टर्स। चलो आगे बढ़ जाओ। एंड अलाउड देम डिस्काउंट, वो भी इसमें नहीं आता। रुपीज 10,000 ड्यू फ्रॉम डेप्टर्स कुड नॉट बी रिकवर्ड, वो भी इसमें आने की जरूरत नहीं। आ जाओ उसके बाद क्या बोलता है। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स पेड अ सैलरी ऑफ रुपीज 20,000। चलो आगे पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ जल्दी से। हाँ, 20,000 सैलरी थी और क्या दिया, कितना 30,000। आगे पढ़ो। एंड कमीशन फॉर 5,000 सब पे किया ना। यस सर। और आगे पढ़ो। ऑन 1st October मिस्टर एक्स टुक लोन ऑफ 3,00,000। लोन लिया तो पैसा आया ना। यस सर। कितना आया, 3,00,000। उसके बाद पर एनम इंटरेस्ट विच इज नॉट येट पेड ऑन फर्स्ट, छोड़ दो आउटस्टैंडिंग इसमें एडिशनल कैपिटल कितने 1,00,000। और कुछ आया नहीं, सैलरी ड्यू थी आउटस्टैंडिंग वो इसमें नहीं आता। और बस बन गया आपका कैश अकाउंट। लो कि ये सब कुछ कैश में आया और वो सब कुछ कैश से गया। अब देख लेते कैश कैश इन हैंड कितना है साल के लास्ट में। आ जाओ फटाफट से निकाल लेते हैं कैश इन हैंड हमारे पास कितना है। 4,00,000। ये है 15,00,000 और 4, 19,50,000 प्लस 80,000 प्लस 3,04,00,000 24,30,000 ये टोटल आया। 24,30,000 टोटल आया और जो खर्च हुआ वो है 4 और 2, 6, 6 और 1, 7 7,50,000 प्लस 90,000 प्लस 35,000 ये खर्च हुआ 875। यानी इतना आया और इतना खर्च हो गया। इसमें से माइनस कर देते हैं, 15,55,000 हमारे पास कैश इन हैंड है। दिस इज हमारे पास क्या बचा बाय बैलेंस शीट। आज कोई मिसिंग दिख रहा है, कौन मिसिंग है वो? वो तो है ही मिसिंग, उसको छोड़ो। वहां लड़की में कौन वो है? जी नहीं है, क्यों मैसेज नहीं किया क्या ग्रुप में है? चलो 15,55,000 हमारे पास क्या पड़ा है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 15,55,000 का कैश इन हैंड हमारे पास है भाई। आ जाओ अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद बनाएंगे अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये लो मैं आपके लिए यही साथ में बना देता हूँ। और सबसे पहले मैं ये डालता हूँ कैश इन हैंड। होगी 15,55,000 कैश इन हैंड आ गया। आ जाओ अब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आना मैं बताता हूं। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस, वो नहीं आएगा इसके अंदर। ऑन द डेट ही परचेज द बिल्डिंग, यहां पे बिल्डिंग परचेज की, कितने की बिल्डिंग? 4,00,000। सर अंदर क्यों लिख रहे हो आप, नीचे रेट लिख रहे हो? ओके। एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,00,000, एक लाइन छोड़ के नीचे वाली। लो उसके बाद उसने क्या कहा, फिर उसने कहा
ही परचेज गुड्स वो इसमें नहीं आते, कैश में भी नहीं आते, क्रेडिट नहीं आते. ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर रुपीज 7,50,000. नो सुनो, ही परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 इन कैश एंड गुड्स रुपीज 1,00,000 ऑन क्रेडिट. तो सुनो मेरी बात, अंदर लिखना, लेकिन बाहर मत लिखना भी. क्रेडिटर 1,00,000. फिर क्या हुआ, ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर रुपीज 7,50,000 आउट ऑफ विच 4,50,000 वाज ऑन कैश बेसिस. तो उधार में कितने हो गए, 3,00,000. चलो आगे क्या हुआ उसके बाद, ही पेड रुपीज 70,000 टू हिज क्रेडिटर. तो मैं माइनस कर देता हूं क्रेडिटर में से, लेकिन अभी बैलेंस नहीं करना, आज जो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. He paid rupees 70,000 to his creditor and received a discount of rupees 10,000. फिर creditors कम हो गए, लो ये भी कम कर दिए. और उसने क्या किया, He received 80,000 from debtors. लो ये पैसा रिसीव कर लिया. फिर उसके बाद क्या हुआ, He received 80,000 from his debtors and allowed them discount of rupees 6,000. डिस्काउंट अलाउड कर दिया 6,000 का, ये भी पैसा नहीं आने वाला. फिर क्या किया उसके बाद, अलाउड डिस्काउंट ऑफ 6,000 रुपीज 10,000 ड्यू फ्रॉम डेब्टर्स कुड नॉट बी रिकवर्ड. बैड डेब्ट्स भी हो गए, कितने बैड डेब्ट्स, ये भी चला गया इसके अंदर से. फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स पेड सैलरी, वो इसमें नहीं आता, रेंट 30, वो इसमें नहीं आता, कमीशन वो इसमें नहीं आता. ऑन 1 अक्टूबर मिस्टर एक्स हैज आल्सो टेकन अ लोन. कितना लोन लिया उन्होंने, मिस्टर एक्स टेकन अ लोन कितने का, ऑफ रुपीज 3,00,000. लो और वो भी किससे लिया, फ्रॉम हिज बैंक एट 10% पर एनम इंटरेस्ट एंड नॉट एट पेड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है. कितना इंटरेस्ट बना इसके ऊपर, 3,00,000 पे 10% के हिसाब से हो गया 30,000. और 30,000 और ये कब लिया है, 1 अक्टूबर, यानी कितने महीने चला, 6 महीने है ना, एंडिंग दिसंबर है ना, 3 महीने, 7,500 कैलेंडर ईयर. लो चलो ये भी हो गया. फिर क्या हुआ उसके बाद, ऑन 1 अक्टूबर 2016 ही फर्दर इंट्रोड्यूस रुपीज 1,00,000, उसमें जाने की जरूरत नहीं, आगे आ जाओ. फिर एट द एंड ऑफ 2006 सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बताओगे, 12,000. फिर क्या बोलता है, रेंट आउटस्टैंडिंग. चलो फिर क्या बोलता है उसके बाद, डेप्रिशिएट फिक्स असेट्स बाय 10%. या तो दो ही फिक्स असेट्स हैं, एक ये होता है, ये बड़ा सामने तुम्हारा फिक्स असेट्स तो है, कौन सा, हाँ तो डेप्रिशिएट हो रहा है ना, उसकी उम्र खत्म हो गई. ठीक है जी, चलो उसको तो बुक से हटा देना चाहिए. आगे और कुछ है हमारे पास, इज देयर एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, कैलकुलेट प्रॉफिट बस. ठीक है लो, और जरा बैलेंस शीट से हम निकाल लें क्लोजिंग बैलेंस शीट कितने की आई. ये हो गया 4,00,000 - 40,000, एक एक आइटम को करना पड़ेगा, 3,60,000 बाहर आ गया, यहाँ आ गया 1,80,000 और यहाँ 3,00,000 -80,000 -6,000 -10,000 204. चलो आ जाओ इधर, 1,00,000 -70,000 ये हो गया कितना, 30,000, 30 में से -10,000 और ये हो गया 3,00,000 में प्लस आउटस्टैंडिंग है ना, 3,07,500. चलो बाकी सब कुछ हो गया, नथिंग इज लेफ्ट. और देखिए कितना है, 15,55,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,04,000, ये आया 22,99,000. और इस साइड का देखे तो क्या आ रहा है, -20,000 -307,500 -12,000 -8,000 19,51,500. ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल, 19,51,000.
लो आई बात समझ। 22,99,000 टोटल आया और ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। बोलो क्या चीज मिसिंग थी? ये भी आ गई। अब कोई रोक सकता है आपको? 19,51,500 में ड्राइंग तो कुछ है नहीं प्लस करने के लिए, माइनस करो 1,00,000 और माइनस करो। मैंने आपको यही आंसर कहा था, आंसर इज द प्रॉफिट इज 351,500। बोलो यहां तक आपकी सोच जा सकती थी क्या? लेकिन आप अपनी सोच को वाइड करो। अब जब आप इन क्वेश्चंस के अंदर 8 नंबर के क्वेश्चन ढूंढते हो तो फिर ऐसे क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं। अगर मैडम सोचे कि इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में से 8 नंबर देने ही देने हैं तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में आया था, लेकिन कोई बड़ा काम तो नहीं था। नहीं, ये ऐसा नहीं था कि आपको 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से बहुत दूर ले गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। कैश बुक भी आपने 11th क्लास में बनाई है और बैलेंस शीट भी आप सीख ही रहे। लेकिन यहाँ जो दिमाग में रखने वाली बात थी यहाँ वो ये कि जब कैश इन हैंड नहीं दिया साल के लास्ट में और कैश का आना और जाना दिखा रखा है, इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है। और वो थी आगे से याद रहेगा है बैंक या कुछ भी दिया होता ना, या तो कैश एट बैंक दिया होता या कैश इन हैंड दिया होता है ना, तो फिर ये ना बनाता मैं। लेकिन उसने दिया नहीं तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और कैश आया भी है कंपनी में और कैश गया भी है, इसका मतलब बैंक का बैलेंस नहीं दे रखा वैसे। हाँ नहीं, अगर कैश दिया है तो फिर चलेगा। अच्छा। कुछ तो दिया होता या कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। कंपनी में कैश आ रहा है कैश जा रहा है तो कहीं तो कैश बचा होगा कुछ तो, ये तो हो नहीं रहा कि 100% यूज हो गए और वो भी नहीं दिखा रहा, बैलेंस नहीं हो रहा। कैश कैश आता आ रहा है, ये सारा कैश आ रहा है, ये सारा कैश जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो है हमारे हाथ में। और ये ना बनता इसी बैलेंस को हम कहां लेंगे? देखो इसके बिना ये निकल सकते थे? सॉरी पता नहीं होता। ठीक है आ जाओ, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था, इसका आंसर था ये वाला। आ जाओ अब हम बुक का क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग बुक के क्वेश्चन कर रहे थे, हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ किया था? हाँ डाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक भी नहीं कर पाएगा सॉल्व। लेकिन आप ये नहीं बताना कि कैश अकाउंट बनाना है। चलो ठीक है आ जाओ। मैडम बना करेंगे? नहीं नहीं मैडम नहीं बना करेंगे, मैडम ने सिलेबस पूरा नहीं किया। सुन मत देना बाकी एडजस्टमेंट बाद में ना बोलना मुझे। देखो मैं आपको साफ साफ बोल देता हूँ, इसके अंदर मैं बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं बोलता हूँ आपको, पर दो में बोल देता हूँ। एक अकाउंट्स पूछो फोन करके कहाँ है? दिलप्रीत नहीं, दिलप्रीत तो मरा मेरे लिए। चलो ये लो आ जाओ इधर सुनो। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी दी हुई है? 24,00,000। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 24,00,000। ड्रॉइंग मेड्स ड्यूरिंग द ईयर 10,000 पर मंथ। ड्रॉइंग कितनी है? 1,20,000। ओके फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर बोलो कितनी है हमारे पास? फ्रेश कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल, सॉरी ओपनिंग कैपिटल नहीं, ओपनिंग तो निकालनी है, ओपनिंग निकालनी है। कितनी एडिशनल कैपिटल? 4,00,000। 6,60,000 प्रॉफिट वगैरह में कुछ दिया हो? प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है और साथ में दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर 6,60,000। अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो, इस बार ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो घबराने वाली बात नहीं, फॉर्मूला वही है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट तब हम प्रॉफिट निकालते थे, अब हम प्रॉफिट को क्या बोलते हैं गिवन है। अब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो ओपनिंग कैपिटल को वहां ले गए, प्रॉफिट को यहाँ ले आए, बात तो एक ही है कि। तो चलो जल्दी से कर लो, क्या आया जल्दी बताओ। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 14,60,000। ड्रॉइंग
एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट ये लो 24 लाख प्लस 1,20,000 माइनस 4 लाख 14,60,000। लो जल्दी से 5B कर लो, 5B तो अपने आप से करोगे ना आप, जल्दी करो 5B करो 5B फटाफट, फिर मैं आपको वो करवा देता हूँ। दूसरा नहीं भी तो है आगे। हेलो सीखो, इसमें सीखने वाला पॉइंट है, आ जाओ मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा दूं। 5B तो आपने कर लिया होगा। ये लो इधर जरा गौर फरमाना, सुचित्रा स्टार्टेड अ बिजनेस, एक बार 6 देख लो, जिसका 6 नहीं हुआ जशनदीप इधर तन में, जिनका 6 नहीं हुआ देखो, सुचित्रा स्टार्टेड अ बिजनेस और 1 अप्रैल 2013 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख। सुनो ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है? 50 लाख। जो जो गिवन है उसको हम डालते चले जाएंगे, आ जाओ 1, 2, 3, 4, 5 ये लो हो गया। फिर सुनो क्या बोलता है, ऑन 31 मार्च 2014 हर टोटल असेट्स वर रुपीज 60,000 एंड क्रेडिटर वर रुपीज 3 लाख। अरे सुनो एक मिनट, अगर टोटल असेट्स गिवन है और लायबिलिटी गिवन है, और कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2014 यानी एंडिंग पे। अरे सुनना जरा, एंडिंग पे अगर क्लोजिंग हमारे पास असेट्स हैं और लायबिलिटी हैं तो क्या हम कैपिटल निकाल सकते हैं? कैसे? माइनस कर देंगे असेट माइनस, असेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो देखो कितने हैं असेट्स 60 लाख और लायबिलिटी कितनी है 3 लाख, तो बोलो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? ये दूसरी चीज इसमें सीखनी थी, ठीक है 57 लाख। आ जाओ फिर उसके बाद क्या बोलता है, फिर बोलता है शी विड्रू ड्यूरिंग द ईयर फॉर हर पर्सनल एक्सपेंस रुपीज 10,000 पर मंथ अप टू 30 जून 2013 एंड देयर आफ्टर रुपीज 15,000 पर मंथ अप टू 31 मार्च 2014। अरे सुनो इधर मेरी बात, इधर देखो मेरी बात सुनो, जब हम ड्राइंग की बात कर रहे हैं ना, ड्राइंग की ड्राइंग्स, ये देखो मेरी बात इधर देखो, यह है 1 अप्रैल 2013, ये साल शुरू कब हो रहा है फर्स्ट या, और एंड कब हो रहा है 30,000। ये लो सुनो, उसने सुचित्रा ने पैसा विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया 10,000 पर मंथ अप टू 30 जून यानी अप्रैल मई और जून, 30 जून तक उसने कितना विड्रॉ किया 10,000 इंटू 30,000 तीन महीने के लिए, अप्रैल मई और जून 3 महीने के लिए कितना विड्रॉ किया 10 के हिसाब से 30,000। और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बताओ कितने महीने बचे? 1,35,000। कितना पैसा विड्रॉ किया? 1,35,000। तो टोटल कितनी हो गई ड्रॉइंग? 1,65,000। ये भी एक पॉइंट इसमें नया आया, टोटल ड्रॉइंग कितनी हो गई 1,65,000। 3 महीने के लिए 10,000, 9 महीने के लिए 15,000, टोटल कितनी हो गई? और आगे आ जाओ, आगे पढ़ो क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर शी सोल्ड हर पर्सनल इन्वेस्टमेंट, उसकी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 80,000 एट 5% लॉस एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इन द बिजनेस। पैसे की बहुत जरूरत थी, बिजनेस बंद होने वाला था, उसने अपनी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेच दिया और घाटे में बेचा, लॉस में बेचा, यानी उसके पास 80,000 की FD पड़ी थी ऐसा मानो, और वो बैंक में गई और बैंक ने क्या बोला, आपको इसमें इतने का लॉस होगा, बोली कुछ भी करो मुझे पैसा चाहिए। ये उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, यानी एडिशनल कैपिटल जो उसने बिजनेस में डाली वो कितनी थी, सुनो मेरी बात, 80,000, उस पर लॉस कितने का हुआ उसको? 5% का लॉस, 4,000, इट मीन्स 80,000 माइनस 4,000 76,000 एडिशनल। सर अगर प्रॉफिट में बेची होती तो क्या करते, तो प्लस कर देते, अगर प्रॉफिट में बेची होती तो मैं 80,000 में प्लस कर देता, कितना 4,000 और कितना लिखता है यहाँ पे 24, लॉस में बेची तो माइनस। अरे सुनो ना, जब आप मार्केट में बेचने गए तो उसने बोला पैसे कम मिलेंगे इसके, अगर आपको सख्त जरूरत है तो देता हूँ, आपने बोला दे पैसा चाहिए अभी 76,000। ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, कौन रोक सकता है अभी आप निकालो,
निकाल लो प्रॉफिट, निकाल दिया चलो आ जाओ। अगर आ गया, अगर आ गया तो ठीक, सबका आ गया। हेलो मनीष कर ले, आ गया सर। मनीष तो सो रहा है सर, मनीष हनुमान जी मालिक। ये लो आ जाओ मेरे साथ। जब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बंद करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, बोलता है फॉलोइंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय मिस्टर एक्स। सुनो मेरी बात, हमें चार चीजें चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग एंड एडिशनल कैपिटल। इसके अंदर ना तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ना तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। आप देख रहे हो दोनों चीजें गिवन नहीं है, लेकिन ड्रॉइंग गिवन है। मनीष क्वेश्चन साथ साथ कर, ना तो एडिशनल कैपिटल, ना तो ओपनिंग कैपिटल है ना क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन ओपनिंग के बैलेंस भी दिए हुए हैं और क्लोजिंग के भी दिए हुए हैं। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले इसमें बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। यानी यहाँ हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, ओपनिंग का। और ओपनिंग के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है सर? कैश, कैश कहाँ पे आता है बताओ सर? बैंक, बैंक कहाँ पे आता है बताओ? बैंक असेट, बोलते चले जाओ। अगला क्या है? असेट। नेक्स्ट डेप्टर्स कितने हैं? असेट। कभी कभी जो है इसको मोमोस खाने की जल्द होती है, ये मेरे कैसे बोलता है। स्टॉक कितने हैं? 7,000। हाँ, अगला क्या है हमारे पास? मशीनरी। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स। ओके, उसके बाद बैंक लोन। लो बस, और कुछ दिया हुआ? कुछ नहीं, तो निकाल लो ओपनिंग कैपिटल जल्दी से। 8,19,000 प्लस 7,000 प्लस 20,000, दिस इज 46,000। 46,000 माइनस 11,000 माइनस 12,000 या गए 23,000। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ऐसे निकाल लो क्लोजिंग कैपिटल, बनाओ SOA जल्दी से। क्लोजिंग कैपिटल बोलो, कैश कितना दिया हुआ है? कुछ एडजस्टमेंट दो तो देख लेना, नीचे पढ़ लेना। कुछ है एडजस्टमेंट? ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं। बैंक कितना दिया हुआ है? हेलो साथ साथ करते जाओ। डेप्टर्स कितने दिए हैं? हो जाएगा अपना रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद स्टॉक कितना दिया हुआ है? 6,000। चलो, उसके बाद हमारे पास मशीनरी 20,000। मशीनरी के बाद क्या है? क्रेडिटर्स 10,000। बैंक लोन 12,000। लो, इस बार भी हम निकाल लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ये हो गया हमारे पास 1,500, फिर 10,000, फिर 12,000, फिर 6,000। गलती कर दी, 1,500, 22,000, उसके बाद 6,000, उसके बाद 20,000, 49,500। और इसमें से माइनस कर दो 22,000। ये आ गई। लो अब मेरी बात सुनो, ये भी आ गया। अब मैं निकालूं क्या? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या बोलता है? ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ 10,000 इन्वेस्टमेंट एट द प्रीमियम ऑफ 5%। अभी मैंने कहा था ना प्रॉफिट आ गया ना, अभी ये उसकी एडिशनल कैपिटल है। ये निकालो एडिशनल कैपिटल, कितने का उसने सामान बेचा है? 10,000 अपनी इन्वेस्टमेंट बेची, 10,000 की इन्वेस्टमेंट बेच के कितने पे? 5% प्रीमियम पे, यानी प्रॉफिट पे। कितना आ गया? तो ये हो गया 10,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 10,500। ये उसकी एडिशनल कैपिटल आ गई। बोलता है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस
द अमाउंट रियलाइज मैंने सेल करना अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ रुपीज 10,000 इन्वेस्टमेंट एट अ प्रीमियम ऑफ 5% हो गया। अब आज और ड्रॉइंग की बात करें, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ मिस्टर एक्स पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंटेड अमाउंट टू 1,250 पर मंथ। ये लो 1,250 इंटू 12 कितना है लो। अब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, ड्रॉइंग आपके पास, एडिशनल कैपिटल आपके पास, ओपनिंग कैपिटल आपके पास, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास, कितना है प्रॉफिट, कितना है 9,000। लो जी वो जो क्वेश्चन आपने किया ना, बस वो बहुत सबसे बड़ा क्वेश्चन था, वो जरा मुझसे पूछने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन आप पता है मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 करना, 9 करना, नहीं पूरे नहीं करना, नहीं पूरा नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10 करना, लेकिन 11 और 12 नहीं करना, क्योंकि इसमें एक नई चीज सिखानी मुझे, आप क्वेश्चन नंबर 11 12 नहीं करना, ठीक है, वहां मुझे आपको 10 तक करो, बस 10 तक खत्म कर दो, ठीक है जी, चलो कल मिलेंगे।